Hello everyone, welcome back to my channel, and as always please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much. तो ये अब हमारी तीसरी वीडियो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर. इसकी पहले वाली वीडियो में हमने डेटा सीखा था कि हम कैसे एंटर कर सकते हैं और कैसे कलर्स को चेंज करके उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं. दूसरी वीडियो में हमने हाइपरलिंक, हेडर, फुटर और ऑब्जेक्ट्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं ये सीखा था. इस तीसरी वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे एनिमेशंस और ट्रांजिशंस का यूज कर सकते हैं सो दैट जब हम अपनी प्रेजेंट करें वीडियो स्लाइड शो के थ्रू तो हमारी बहुत ही अट्रैक्टिव लगे. तो ट्रांजिशंस जो होते हैं बेसिकली वो दिखाते हैं कि जब एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में आओ तो क्या इफेक्ट आए, और एनिमेशंस आपका दिखाते हैं कि हर लाइन पे आप एक एक सिंगल लाइन पे आप कैसे एनिमेट कर रहे हो उसको, कैसे उसको उसका उसको इफेक्ट डाल रहे हो उस चीज के ऊपर. ठीक है, तो ये हम सीखते हैं. सपोज सबसे पहले हम ट्रांजिशंस लगाते हैं और मेरा ट्रांजिशन इसमें से सपोज मुझे फेड करना है अपना, कि हमेशा जब भी मैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाऊं तो फेड हो. तो इस ऑप्शन को आप अगर एक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं सो दैट सब पे सेम ट्रांजिशन इफेक्ट आए. अप्लाई टू ऑल यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं. इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है एनिमेशंस का. आप एनिमेशन में जाइए. सपोज सबसे पहले आपको एनिमेशन लगाना है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे, और वो आपको लगाना है सपोज वाइप. फिर आपको लगाना है इस इमेज के ऊपर, और सपोज ये आप लगा सकते हैं वी. ये आपके ऊपर है, आपको जोन सा एनिमेशन अच्छा लगे आप लगा सकते हैं. इस पे आप सपोज स्प्लिट यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड में फिर से आपको सबसे पहले ऊपर वाली पे लगाना है, क्योंकि हमें ऑर्डर फॉलो करना है किस ऑर्डर में हमारा पहले डेटा आएगा. तो सपोज इसको आप सिलेक्ट करिए और इसको आप फ्लोट इन कर सकते हैं. इसके बाद यहाँ पे भी आप सिंगल सिंगल वर्ड पे भी लगा सकते हैं, सिंगल सिंगल लाइंस पे भी लगा सकते हैं. तो सपोज इस पे हम कर रहे हैं फ्लाई इन यूज कर सकते हैं, और फ्लाई इन में हम इसको कर सकते हैं कि ये हमारा फ्लाई इन हो हमारी दूसरी वाली स्टेटमेंट भी फ्लाई इन हो. तो हम इस पूरी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके फ्लाई इन कर सकते हैं सो दैट सब पे अलग अलग हम एनिमेशन लगा रहे हैं. लाइन जो भी एनिमेशन लगाओ किसी भी लाइन पे सेम फिर सारी स्टेटमेंट्स पे भी सेम ही लगाओ, जिससे थोड़ा डेटा आपका कंसिस्टेंट लगे. अदरवाइज बहुत ही बेकार लगता है डेटा अगर कुछ फ्लाई इन हो रहा है या कोई और स्टेटमेंट स्प्लिट हो रही है. तो सब पे सेम ही लगाएं जिससे दिखने में वो अच्छा लगे. इसके बाद हम इस पिक्चर्स पे फ्लोट इन लगा सकते हैं या स्प्लिट लगा सकते हैं. फिर थर्ड पे भी सिमिलरली हम सबसे पहले अपनी हेडिंग पे लगाएंगे फ्लोट इन, और इसके बाद हम अपने क्लिप आर्ट पे लगा सकते हैं शेप. तो इस तरीके से आप नॉर्मली अपनी ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस लगा सकते हैं अपने पीपीटी पे. एक बार इसका स्लाइड शो करके देखते हैं कि कैसे दिख रही है फ्रॉम बिगनिंग. तो पहले जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी हेडिंग आएगी, फिर आपके पिक्चर, फिर उसके बाद आपका अब नेक्स्ट इफेक्ट आ रहा है. आप जैसे जैसे क्लिक करते रहेंगे आपकी प्रॉपर एनिमेशंस वर्क करती रहेंगे. अब आपने देखा कि कितने अच्छे से आपकी वीडियोस में ट्रांजिशंस भी लग गए, एनिमेशंस भी लग गए. ये बहुत ही इजी है समझने करने भी. इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी तब आती है जब आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते हो. तो इसलिए बेस्ट है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो कि आपको किस पे क्या ट्रांजिशन लगानी है और किस पे क्या एनिमेशंस लगानी है. आपको अपनी पावर पॉइंट किस तरीके से प्रेजेंट करनी है, डेटा लेफ्ट होगा राइट होगा, पिक्चर किस साइड लगेगी, जिससे आप जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ये बहुत ही कम टाइम में आपका सारा चीज़ें मैनेज हो जाएंगी. अदरवाइज आप अगर एग्जाम के टाइम पे सोचेंगे तो आपको बहुत ही डिफिकल्टी होगी. इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ इन तीन ट्यूटोरियल्स की हेल्प से आपके लिए अपना पीपीटी का पेपर बहुत ही आसान रहेगा. और अगर कोई भी दिक्कत आती है या आप चाहते हैं कि किसी और पर्टिकुलर पॉइंट पे वीडियो बने तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. थैंक यू.